अब तो आप लोगों को कुछ कुछ यकीन होने लगा होगा कि डायबिटीज़ को हिंदुस्तान से पोलियो की तरह ख़त्म किया जा सकता है। डायबिटीज़ मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड में शुगर खाने पीने से आता है, तो अगर खाने पीने में कंट्रोल किया जाए तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये तो आपकी समझ में आसानी से आ जाता है कि मीठा खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन क्या नमकीन खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, खट्टा खाने से बढ़ेगा, क्या घी खाने से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा? तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फूड का हमारे ब्लड शुगर पे क्या इम्पैक्ट होता है, कौन सा फूड ब्लड शुगर पे कैसा इम्पैक्ट देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 90% लोगों को डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी के कारण नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हमारी खाने पीने की आदतों से जुड़ी हुई है, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट से ये जुड़ा हुआ है। तो अगर हम फूड का न्यूट्रिशनल एनालिसिस कर लें तो हमारे लिए ये समझना इजी हो जाएगा कि कौन सा फूड कंपोनेंट ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है और कौन सा फूड कंपोनेंट नहीं बढ़ाता है। तो फूड का आज हम न्यूट्रिशनल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किसी भी फूड में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो फूड में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट जो अप्रॉक्सीमेटली 5% हिस्सा फूड का होते हैं, और दूसरा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो फूड का 95% हिस्सा होते हैं। तो 5% हिस्सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो देखने में बहुत कम है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं फूड में विटामिन, मिनरल, एंजाइम्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसका कंपैरिजन हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी जैसे मर्सिडीज़, और उसके साथ एक छोटी सी चाबी मिली जिससे वो गाड़ी स्टार्ट होती है, तो बिना इस चाबी के आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये बड़ी गाड़ी मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो ये छोटी चाबी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है गाड़ी को चलाने में। ऐसे ही जैसे कि आप जानते हैं कि हड्डियां हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, हड्डियां प्रोटीन से बनी होती हैं और प्रोटीन की बनी हुई हड्डियां लचीली होती हैं। जब उसमें कैल्शियम आके चिपकता है हड्डियों के ऊपर तो हड्डियां स्ट्रांग और मजबूत हो जाती हैं, इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन्स कहते हैं। जो कैल्शियम हड्डी के ऊपर आके चिपक रहा है इसको चिपकाने में विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन डी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो विटामिन डी चाहिए तो थोड़ा सा, लेकिन बिना विटामिन डी के मजबूत हड्डियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को इधर चिपकाने में मदद करेगा। ऐसे ही अगर विटामिन सी की कमी हो जाए बॉडी में तो गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है। तो विटामिन सी आंवले में मिलेगा, नींबू में मिलेगा, तो नींबू या आंवले में विटामिन सी बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं हुआ तो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी का जो भी इंटरनल सिस्टम चल रहा है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो चीज़ें छोटी क्वांटिटी में यूज़ होती हैं लेकिन वो कंज्यूम नहीं होती ज़्यादा, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसके बगैर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो बॉडी के अंदर की केमिकल रिएक्शन चल रही है, वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इसी तरीके से जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, चाहे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट होती हैं, और बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में थेरेप्यूटिक वैल्यू भी देते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट जिनको खाने से बीमारियां भी ठीक होती हैं, जो आयुर्वेद में हम यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स या हर्ब्स यूज़ करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें थेरेप्यूटिक वैल्यू है। जो थेरेप्यूटिक वैल्यू आ रही है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट से आती है।
ऐसे ही अब फूड में हम देखते हैं जो बड़ा हिस्सा है जिसको हमने कहा मैक्रोन्यूट्रिएंट, और मैक्रोन्यूट्रिएंट 95% हिस्सा फूड का होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होंगे उसमें हुआ फैट, प्रोटीन, वाटर और कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन और वाटर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी बना हुआ है वो फैट, प्रोटीन और वाटर से बना हुआ है। जैसे कि हेयर्स प्रोटीन का बना है, नाखून प्रोटीन का बना है, स्किन प्रोटीन का बना हुआ है, लीवर, किडनी, जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी की हर एक सेल फैट, प्रोटीन और वाटर से बनी हुई है। तो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी का कोई भी कंपोनेंट नहीं बनता, और इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी स्टोर भी नहीं करती है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ प्लांट्स में स्टोर हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं बनता। ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने से हमारे शरीर में जाता है वो हमारी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हम फैट तो स्टोर कर सकते हैं, फैट हमारी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स का हिस्सा है, एनिमल बॉडी का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, उसको चेंज करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो हमारे पेट में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, वो शुगर पेट से ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड से वो सेल के अंदर जाता है और सेल में यूटिलाइज होता है। सो ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता, उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन उसको ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। और जब बहुत सारा शुगर हो जाता है और उस शुगर को इंसुलिन अंदर पुश करना चाहता है सेल्स के अंदर, तो सेल्स उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो ब्लड में शुगर का लेवल बिल्डअप होने लगता है और डायबिटीज़ हो जाती है। तो जो ब्लड में शुगर अब कहाँ से आया, जो हमने खाना पीना खाया उससे। अभी अगर हम कार्बोहाइड्रेट का इम्पैक्ट देखने की कोशिश करें तो ब्लड में जो शुगर है उसका अगर हम रिलेशनशिप देखें फूड से, तो अप्रोक्सीमेटली 5% इम्पैक्ट फैट का है, 10-15% इम्पैक्ट प्रोटीन का है और 80-85% इम्पैक्ट कार्बोहाइड्रेट का है। तो जो ब्लड में शुगर है उसका 80-85% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आया। तो अगर हम फूड का न्यूट्रिशनल एनालिसिस देखें तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो आज के बाद जब भी कोई फूड खरीदें उसके पीछे जो न्यूट्रिशनल एनालिसिस लिखी होती है उसको देखें, उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर ये सब चीज़ें दी होती हैं। तो जो न्यूट्रिशनल एनालिसिस है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम है तो इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल पे कम इम्पैक्ट होगा। तो खाने में अगर हम न्यूट्रिशनल एनालिसिस करें कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट कम है तो ब्लड शुगर लेवल कम बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एलमंड्स, बादाम का एक एग्ज़ाम्पल ले लें। एलमंड्स में अराउंड 20-25% तो प्रोटीन होगा, अराउंड 50% के आसपास उसमें फैट होगा, अराउंड 10% के आसपास उसमें मॉइस्चर होगी जिसको हम वाटर कह सकते हैं, बाकी जो बचा 15% के आसपास वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर हम बादाम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा 10-15% ही आ रहा है। इसके अगेंस्ट आप दूसरा देखिए, राइस, राइस में 1-2% फैट होगा, 2-4% उसमें प्रोटीन होगा, 5-10% उसमें मॉइस्चर होगी, बाकी जो हिस्सा बचा मेजर पोर्शन अराउंड 80% वो कार्बोहाइड्रेट है। अब वाइट राइस और ब्राउन राइस दोनों का अगर आप न्यूट्रिशनल एनालिसिस करेंगे तो दोनों में कार्बोहाइड्रेट अराउंड 80% के आसपास ही आएगा, कोई हार्डली 1-2% ऊपर नीचे का डिफरेंस होगा। आप एनालिसिस कीजिएगा, आप देखिएगा न्यूट्रिशनल एनालिसिस ब्राउन राइस और वाइट राइस का, तो आपको पता लगेगा। तो इसका मतलब अगर आप राइस खाते हैं, वाइट हो या ब्राउन, या आप खा रहे हैं बादाम,
इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बादाम से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, और राइस खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ऐसे ही अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन जो शुरू में हमने पूछा था उस पर आते हैं कि क्या नमकीन खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो देखिए, ब्लड शुगर लेवल न्यूट्रिशनल वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। अब उसका टेस्ट नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली जो आप मार्केट में बिस्किट्स खाते हैं, जैसे हमने कहा ये नमकीन बिस्किट है और एक मीठा बिस्किट है, तो मीठा बिस्किट और नमकीन बिस्किट दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। नमकीन बिस्किट में नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ताकि उसका सॉल्टी टेस्ट हो जाए, अदरवाइज़ फॉर्मुलेशन मीठे और नमकीन बिस्किट की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें। तो खाने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि नमकीन है, लेकिन न्यूट्रिशनल एनालिसिस जब आप दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट दोनों में बराबर मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बराबर है तो इसका मतलब कि ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट भी बराबर हो सकता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने डायबेक्सी कुकीज़ के बारे में आपको बताया कि जो बिस्किट है उसमें चीनी मिलाई जाती है उसको मीठा करने के लिए, ऐसे ही बिस्किट को मीठा करने के लिए फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड भी मिलाया जा सकता है। अब दोनों को अगर आप देखेंगे, शुगर में भी 100% कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड भी 100% कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर शुगर खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और अगर फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। तो जब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस बात में डिस्कस करेंगे कि दो फूड हैं जिसमें बराबर कार्बोहाइड्रेट है लेकिन एक ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है और दूसरा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है, तो इसका मतलब सारे कार्बोहाइड्रेट बराबर भी नहीं होते, कुछ कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर बढ़ाते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। ये हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कुछ और सवाल हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, डायबिटिक फूड से रिलेटेड, तो आप हमें पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, आप फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जहाँ पे हम ये जानेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। थैंक यू।